हरियाणा के चरखी दादरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है। जनता ने बीजेपी को अपार बहुमत से जिताने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दो दिन से हरियाणा के अलग अलग विभाग में जा रहा हूं, हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है और दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि राव तुलाराम की पुण्य धरती को मेरा नमन है। उन्होंने हरियाणा से अपने जुड़ाव का जिक्र भी किया, कहा कि मैं हरियाणा में वोट मांगने नहीं आता हूं, ये मुझे खींच लाता है। दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ आदि में जब मैं काम देखता था, शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा जिसके घर में मैं नहीं गया। पीएम मोदी ने कहा कि दादरी के सपूत भाई रमेश जोशी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। नए मेडिकल कॉलेज और लॉजिस्टिक हब बन रहा है। हरियाणा में डबल इंजन से विकास तेज हुआ है। केंद्र में मोदी का इंजन और राज्य में मनोहर का इंजन, हरियाणा की जनता इस पर मुहर लगा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता और आपका आशीर्वाद सरकार बनने जा रही है। मोदी ने लोकसभा में मिले समर्थन के लिए जनता का धन्यवाद भी किया। 4 महीने पहले दिए आशीर्वाद के लिए दादरी सहित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। अमित शाह ने कहा है कि देश इस वक्त पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में हुए एनएसजी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने यहां अपने संबोधन में कहा कि एनएसजी ने देश की सुरक्षा में योगदान दिया है, फोर्स के कमांडो ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अमित शाह बोले कि एनएसजी स्पेशल फोर्स है जो किसी भी आतंकवादी हमले को भेदने में सक्षम है। एनएसजी के कमांडो को अभी तक 3 अशोक चक्र, शौर्य चक्र मिल चुके हैं। शाह ने कहा कि आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए अभिशाप है, विकास में बड़ी बाधा है। हमारा देश आतंकवाद के अभिशाप से लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। आतंकवाद के किसी भी खतरे से देश पूरी तरह सुरक्षित है। अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से पड़ोसी देश के द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से देश अब निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना इसी की शुरुआत है। इसके जरिए हम कश्मीर में विकास को बढ़ा सकेंगे। अमित शाह बोले कि आज के दौर में पारंपरिक युद्ध नहीं होते, भारत पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से पीड़ित रहा है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर देश को आतंकवाद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया। हरियाणा के टोहाना में बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला की जनसभा में नहीं पहुंचने पर अमित शाह ने कहा कि खराब स्वास्थ्य के कारण टोहाना नहीं पहुंच पाया, इसके लिए मैं टोहाना की जनता से क्षमा प्रार्थी हूं। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को जिताने के लिए आना था, लेकिन मैं मेरे स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाया। गले की खराबी के कारण सुबह में आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का वादा किया गया है, साथ ही 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का भी वादा किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार केंद्र सरकार से ये मांग करेगी कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। वीर सावरकर के अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में सावित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले को भी भारत रत्न दिलाने का वादा किया गया है। वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त बनाने की बात कही है। पश्चिम से बहने वाली नदियों के पानी को गोदावरी की घाटी से रुकवाकर मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त भाग में पहुंचाने का वादा किया गया है। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइपलाइन से आपूर्ति कराई जाएगी। साथ ही कृष्णा, कोयना और अन्य नदियों में बाढ़ के कारण बह जाने वाली अतिरिक्त पानी को पश्चिम महाराष्ट्र के स्थायी सूखे भाग में ले जाया जाएगा। आने वाले 5 सालों में कृषि में लगने वाली बिजली को सौर ऊर्जा पर आधारित करके किसानों को दिन में 12 घंटे से अधिक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ परिवारों को महिला बचत समूह से जोड़कर रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 2022 तक प्रत्येक घर को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राज्य की सभी सड़कों की स्थायी मरम्मत और देखभाल के लिए स्वतंत्र तंत्र के निर्माण किया जाएगा और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सभी बस्तियों को 12 महीने चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा। भारत नेट और महाराष्ट्र नेट के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से कोई भी वंचित न रह जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के बहाने कांग्रेस अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अभिजीत बनर्जी के बयानों का हवाला देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि मोदी सरकार को अब काम पर लग जाना चाहिए और तस्वीर कम खिंचवानी चाहिए। कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा था। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है, क्या मोदी जी सुन रहे हैं? अभिजीत बनर्जी ने कहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाती स्थिति में नजर आ रही है। आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। औसत शहरी और ग्रामीण उपभोग घट गया है जो 70 के दशक के बाद कभी नहीं हुआ और हम सब संकट में हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, काम पर लग जाइए, तस्वीरें कम खिंचवाइए। महाराष्ट्र के भिवंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि मराठाओं की तरह ही मुसलमानों को भी आरक्षण मिले। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी सोचते हैं कि 3 तलाक बिल लाने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल गया तो ये गलत धारणा है। यदि आप वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के सभी मुसलमानों की ओर से मैं आपसे मराठा की तरह उन्हें आरक्षण देने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बताएं कि महाराष्ट्र में कितने आईएएस आईपीएस अफसर हैं। ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। ओवैसी ने कहा है कि जब कोई जहाज डूबता है तो कप्तान सभी को सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन गांधी एक ऐसे कप्तान हैं जो खुद कांग्रेस के जहाज को डूबता हुआ छोड़कर चले गए। ओवैसी ने यह टिप्पणी भिवाड़ी पश्चिम में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए सभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि 70 साल से मुसलमान कांग्रेस की दया के कारण जीवित नहीं है, बल्कि हम जीवित हैं संविधान के कारण और ईश्वर की कृपा से। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि वो उचित समय पर इसे लेकर कदम उठाएंगी। इसके साथ ही दावा किया गया है कि उनके साथ देश भर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया जाएगा। मायावती ने बाबा साहेब अंबेडकर की तर्ज पर हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की नागपुर में घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उचित समय पर धर्म परिवर्तन करूंगी, मेरे साथ बड़ी संख्या में राष्ट्र स्तर पर धर्म परिवर्तन किया जाएगा। नागपुर में धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह हिंदू धर्म को त्यागते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। यूपी में योगी सरकार के एक फैसले ने 25,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। यूपी सरकार ने बजट बैलेंस बिगड़ने की दलील देते हुए 25,000 होमगार्ड की सेवा समाप्त की है। पुलिस और अन्य विभागों ने होमगार्ड की संख्या घटाई गई है। यही नहीं, कानून व्यवस्था में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड की संख्या में भी 32% तक की कटौती कर दी गई है। दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान अपने खेतों में पड़ी हुई पराली को जला रहे हैं, जिससे कि जहरीला धुआं धीरे धीरे दिल्ली समेत एनसीआर को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी जो है उसका इंडेक्स 252 के अंक पर दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में यह आंकड़ा 310 पहुंच गया है। दिल्ली समेत आसपास के शहरों को स्मॉग जो है उसकी चादर ढक रही है और ये चादर जो है दिन प्रतिदिन गहरी हो सकती है। अगले 24 घंटे में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। मनोज तिवारी ने हरियाणा के खेतों में जलाई जा रही पराली की कुछ तस्वीरों को
रीट्वीट करते हुए लिखा है कि हरी फसल को ही पराली बनाकर जलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने रिश्तेदारों से आग तो लगवा दी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि फसल काटने के बाद पराली जलाई जाती है। अकाल तख्त ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि संघ देश को बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने अमृतसर में कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि आरएसएस जो कर रहा है वो देश में विभाजन पैदा करेगा। आरएसएस के नेताओं के दिए जा रहे बयान देश के हित में नहीं। हरप्रीत सिंह ने कहा है कि यहाँ सिख, ईसाई, यहूदी और पारसी भी रहते हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। ये कहना है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये गलत है, गलत बयान नहीं दिया जाना चाहिए, ये मुल्क के लिए खतरा है। आरएसएस का बयान आया है कि ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये ठीक नहीं है, मुल्क के हित में ये नहीं। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर स्याही फेंके जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच में डेंगू पीड़ितों से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो उस समय उन पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंके जाने पर अश्विनी चौबे का कहना है कि स्याही मीडिया पर फेंकी गई थी जो कि उन पर आ गई। यूपी के पीलीभीत में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर जबरन बच्चों से प्रार्थना में सरस्वती वंदना की जगह मदरसे की प्रार्थना कराने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के सरकारी माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक फुरकान अली के जबरन मदरसे वाली प्रार्थना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है और इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करके सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। कई सालों से अदालत में चल रहे अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई अब अंतिम दौर में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर से पहले ही इस मामले की सुनवाई खत्म होनी है, यानी कि अब सिर्फ 3 दिन की सुनवाई बाकी है। सोमवार को अदालत में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गई हैं। अब आज हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा। आज इस मामले की सुनवाई का 39वां दिन है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि अगर सूट प्रॉपर्टी नष्ट हो गई तो फैसला किस पर दिया जाएगा। इस पर परासरन ने कहा कि मैं नहीं मानता मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है, लेकिन मेरी दलील है कि मंदिर हमेशा मंदिर रहता है, फिर चाहे वहां पर भवन मूर्ति हो या नहीं। वकील के परासरन ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी भारत के इतिहास को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट को इतिहास की गलती को ठीक करना चाहिए। एक विदेशी भारत में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम कहीं और भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अयोध्या में 56-60 मस्जिद हैं, लेकिन ये भगवान राम का जन्म स्थान है, हम ये नहीं बदल सकते। पीएमसी बैंक खाताधारकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एक पीएमसी बैंक के खाताधारक की मौत हो गई है। खाताधारक के पीएमसी बैंक के खाते में 90 लाख जमा बताया जा रहा है और बैंक से पैसे नहीं निकालने की वजह से बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। यूपी के झांसी में मकान में संदिग्ध हालत में भीषण आग लगने से 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। चारों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं आग में झुलसने से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि मकान की छत पर सो रहे 4 लोगों को पड़ोसियों ने सीढ़ी लगाकर बचाया। घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहरगिर्द मंदिर के पास की बताई जा रही है। स्थानीय लोग किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बाइक पार्किंग को लेकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब पार्किंग कर्मचारी ने बाइक खड़ी करने की बात कही तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल के अंदर घुसकर कर्मचारियों की पिटाई कर दी। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद शिकायत पर कोतवाली शहर में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। गुजरात के कच्छ में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई है। अब तक किसी के फंसे होने की आशंका
नहीं है। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय फैक्ट्री में भारी मात्रा में प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। आग की लपटें कई मीटर ऊपर तक उठती नजर आई। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नैन बाग के पास बेकाबू होकर कार खाई में जा गिरी है। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हादसे पर दुख जताया। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी को 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल है। मौजूदा डेटा से ये आश्वासन नहीं मिलता कि अर्थव्यवस्था की सेहत में जल्द सुधार आएगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक दौर पर है। मौजूदा विकास दर के आंकड़ों से ये आश्वासन नहीं मिलता कि इससे जल्द सुधार आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कम हो गए हैं। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली कटौती देखने को मिली है। देश के 4 प्रमुख शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 पैसे प्रति लीटर कम हो गए हैं। इससे पहले 2 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। विदेशी पूंजी निवेश के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SDFC जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी से शुरुआती कारोबार में 180 अंक तक चढ़ गया। सेंसेक्स 235 अंकों की तेजी के साथ 38,450.62 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 60 अंकों की तेजी के साथ 11,401 के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। बजाज ऑटो अपने नए स्कूटर को लेकर काफी चर्चा में है। दिल्ली में 16 अक्टूबर को एक इवेंट के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। इस समारोह में 2 खास मेहमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी शामिल हुए। बजाज ऑटो के लिए ये स्कूटर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। वैसे कंपनी ने अभी तक इस स्कूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। नई हीरो स्प्लेंडर जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। हीरो मोटोकार्प अपनी इस लोकप्रिय बाइक में कई नए फीचर्स को शामिल करने जा रही है। कंपनी ने इस साल जून में BS6 स्प्लेंडर iSmart से पर्दा उठाया था, लेकिन उस समय फीचर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी और अब लॉन्च से पहले ही बाइक के डॉक्यूमेंट सामने आए। रिलायंस जियो ने हाल ही में ग्राहकों को आउटगोइंग कॉल्स के लिए चार्ज करना शुरू किया। कंपनी ने किसी भी नॉन जियो नेटवर्क पर कॉल करने पर 6 पैसे प्रति मिनट की दर से इंटरकनेक्टेड यूजर्स चार्जेस लागू किए। हालांकि कंपनी ने साफ कर दिया कि यूजर्स पर नए चार्ज तभी लागू होंगे जब 10 अक्टूबर से पहले कराए गए उनके रिचार्ज की वैधता खत्म होगी। सीरिया के इलाकों में बम बरसा रहे तुर्की को अब अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही तुर्की को आगाह कर दिया था कि अब अपने एक्शन की शुरुआत अमेरिका करेगा। इसके तहत उन्होंने तुर्की के लिए स्टील टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही 100 मिलियन यूएस डॉलर की डील को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है। नेपाल और चीन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई संयुक्त रूप से फिर मापने पर सहमत हो गए हैं। दरअसल नेपाल में अप्रैल 2015 में आए जबरदस्त भूकंप के बाद दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई करीब 3 सेंटीमीटर कम हो गई। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक रूप से जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। भारत ने भी 2017 में नेपाल को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिर मापने में मदद का प्रस्ताव दिया था। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडिल्टन 5 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ब्रिटेन के शाही जोड़े की ये पहले पाकिस्तान यात्रा है। वहीं पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर उतरने के बाद वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुलदस्ता देकर शाही जोड़े का स्वागत किया। मैक्सिको के मिचोआकेन इलाके में बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 14 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला ड्रग्स तस्करों ने किया।
जापान में आया शक्तिशाली तूफान हेजबिस 48 लोगों की जान लेने के बाद थम गया है। तूफान में हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत कार्य जो है वो तेज कर दिए गए हैं। हालांकि बारिश की संभावना के चलते राहत कार्य बाधित होने की का खतरा भी बरकरार है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऐसा कुछ किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ब्रेक के दौरान सभी कमेंटेटर इस मैदान पर गली क्रिकेट खेलते नजर आए। इस दौरान लक्ष्मण ने गली क्रिकेट स्टाइल में आकाश चोपड़ा को आउट किया। भारतीय महिला क्रिकेट में वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने भारत की तरफ से बतौर कप्तान 100वीं जीत हासिल की है। मिताली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में रोमांचक जीत के साथ अनोखा शतक पूरा किया। फिल सिमंस को एक बार फिर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सिमंस को T20 वर्ल्ड कप 2016 के कुछ समय बाद पद से हटा दिया गया था। सिमंस का वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ नया करार 4 साल का है। जिम्बाब्वे और नेपाल की आईसीसी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। आईसीसी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। जिम्बाब्वे को जुलाई 2019 में आईसीसी की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। आईसीसी ने अपने बयान में कहा है कि यहां आईसीसी चेयरमैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम्बाब्वे क्रिकेट चेयरमैन और जिम्बाब्वे के खेल मंत्री से बातचीत के बाद ये डिसीजन लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान अब फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने की तैयारी में है। खबर है कि इरफान जल्द ही तमिल मूवी में नजर आ सकते हैं। विद्या बालन की आने वाली फिल्म शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें विद्या बालन को शकुंतला देवी की लुक में देखा जा सकता है। इसके लुक में विद्या बालन छोटे बालों में नजर आ रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस मोहिना कुमारी की शादी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार एक्शन फिल्म वॉर ने कमाई के मामले में विकी कौशल की फिल्म उरी को पछाड़ दिया। अभी तक 270 करोड़ कमा चुकी वॉर शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के करीब है। बॉलीवुड फिल्म कबीर सिंह की कामयाबी के बाद एक्टर शाहिद कपूर एक और दमदार फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। शाहिद के इस मूवी का नाम जर्सी है जो एक तेलुगु फिल्म है। सिंगिंग का धमाकेदार शो इंडियन आइडल शुरू हो चुका है। फिलहाल शो में ऑडिशन चल रहे हैं। इसी बीच इंडियन आइडल के इस वीडियो में शो के जज नेहा कक्कड़ और अनु मलिक एक दूसरे से ही झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा का सबसे सफल एक्टरों में से एक खेसारी लाल यादव का डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर उनके फैन पेज से शेयर किया गया है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।